पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्वास्थ्य सेवा समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिन कथाव्यास व्योम त्रिपाठी जी ने भक्तों को भगवत कथा का रसपान करने के लिए कहा, जिसमें मन हृदय शांत होता है तथा हृदय में प्रभु का वास होता है। भगवान की कथा भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा कथा में 78,000 ऋषियों का वर्णन किया और श्लोक के माध्यम से बताया कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना, अर्थात धर्म का दूसरा नाम सत्य है और जहाँ सत्य है वहाँ धर्म की स्थापना होती है। जिस स्थान पर सत्य नहीं होता वहाँ केवल अधर्म होता है। व्यास जी ने बताया कि मानव के कल्याण का एकमात्र साधन भगवान की निष्कर्म भक्ति है तथा भगवान के 24 अवतार का वर्णन किया, जिसमें सुबह आचार्य द्वारा पूजन कराया गया तथा मुख्य अतिथि निर्धन शर्मा एवं कथा यजमान विक्की भटनागर रहे। टीडीआई सिटी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। परसों कलश यात्रा निकाली गई थी। पूज्यपाद गुरुदेव श्री व्योम त्रिपाठी जी व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन कर रहे हैं। कल प्रथम दिवस था। टीडीआई सिटी में शिव मंदिर है, शिव मंदिर के अंदर कल प्रथम दिवस था। प्रथम दिवस में कल श्रीमद् भागवत कथा जी का महात्म्य सुनाया गया था। आज भगवान वासुदेव की लीलाओं का वर्णन, उनकी उत्पत्ति का वर्णन, उनके किस प्रकार उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, इसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। पूज्यपाद गुरुदेव इस कथा के अंदर बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत ही अच्छे चित्रण जिस ढंग से प्रस्तुति करते हैं, वास्तव में उसको सुन करके देख करके हर व्यक्ति आत्मविभोर हो जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर कथा हो रही है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर आ रही है और काफ़ी लोग यहाँ पर सराह रहे हैं कि इतनी अच्छी कथा सुनने को हमें मिल रही है, ऐसी कथा हमने इससे पहले नहीं सुनी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर आएं और कथा को सुने। आकर के एक मुरादाबाद में रहने वाले पूज्यपाद गुरुदेव श्री व्योम त्रिपाठी जी जो व्यास पीठाचार्य हैं, इस तरीके से कथा सुनाते हैं, इस ढंग से वर्णन करते हैं भगवान की लीलाओं का कि व्यक्ति उसके अंदर सराबोर होता, डूब जाता है और उठने का मन नहीं करता है। लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि सबको जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की अमृत धारा बह रही, सत्संग की, कीर्तन की, कथा की, श्रीमद् भागवत कथा की जो अमृत धारा बह रही, वास्तव में वो अलौकिक है और दिव्य है।